दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाने वाला आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। अब मैच आज पूरा होगा और वहीं से शुरू होगा जहां कल रुका था। मैच में जब बारिश आई तब न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 211 था। बारिश काफी देर तक जारी रही, लेकिन अब एक खबर आ रही है जिससे क्रिकेट फैंस निराश हो सकते हैं। दरअसल बुधवार को भी मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। ऐसे में फैंस जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे सेमीफाइनल मैच का इंतजार कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। एक्यूवेदर के अनुसार बुधवार को रुक रुक कर बारिश आएगी। मैनचेस्टर में मंगलवार की तरह 1 से 4 बजे तक या हो सके तो 5 बजे तक बादल छाए रहेंगे। एक्यूवेदर के अनुसार ओल्ड ट्रैफर्ड में आज यानी पानी बुधवार को ही बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन शाम 6 से 8 बजे के बीच मौसम सही रहेगा। 9 से 11 के बीच फिर से बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर कई मौकों पर बुधवार को मैच में बारिश खलल डालने वाली है। आपको बता दें कि मंगलवार को 6:30 बजे मैच में बारिश ने खलल डाला था, जिसके बाद एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैदान काफी गीला होने की वजह से अंपायरों ने मंगलवार के खेल को रद्द कर दिया था। वर्तमान स्थिति में ही आज मैच खेला जाएगा। बता दें कि मंगलवार 10:20 पर बारिश रुक गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मैच दोबारा शुरू होगा, लेकिन अंपायरों ने 10:40 पर मैदान का मुआयना किया और आउटफील्ड गीला होने के कारण मैच रद्द कर दिया गया। मैच जब रुका तब रॉस टेलर 67 रन और टॉम लाथन 3 रन बनाकर नाबाद थे। यही दोनों आज कीवी टीम की पारी को आगे बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अगर बुधवार को भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच पूरा नहीं हो पाता है तो भारत वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज भी बारिश खलल डाल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसी कई और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। MFI न्यूज़, हमेशा सच के साथ।